बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है क्लास 7-8 साइंस एमसीक्यूज बुक का, क्लास 8 का तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और क्लास 7 बुक को हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज चैप्टर नंबर 4 और पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं दोस्तों। तो देखें दोस्तों, ये हमारे पास क्लास 7 साइंस बुक है और याद रखिए कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को हल कर रहे हैं, पूरी बुक को हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको पूरी बुक थारोली स्टडी करना पड़ेगा। जो कुछ मैं करा रहा हूं, इसके साथ साथ आपको बुक भी स्टडी करना पड़ेगा। तो चलते हैं आज चैप्टर नंबर 4 पर। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, एनवायरमेंट एंड फीडिंग और रिलेशनशिप्स, चैप्टर नंबर 4। और हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एमसीक्यूज जो है 5 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। आज के एमसीक्यूज निस्बतन थोड़े इजी हैं, लेकिन ऐसा है कि इससे तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हेडिंग में लिखा हुआ है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग। द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड व्हाट। ऑप्शन ए लिखा है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम। यहां पर करेक्ट ऑप्शन इकोसिस्टम है। द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट इज इकोसिस्टम। हैबिटेट, जिसको हम उर्दू में मस्कन कहते हैं, और फूड चेन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर खाने के लिए डिपेंड करता है, दे आर कॉल्ड फूड चेन। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा देखे, अ प्लेस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एनवायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग। वही एक लिविंग प्लेस जो है ना, रहने की जगह, जिसको मस्कन हम कहते हैं, तो उसको हैबिटेट कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एरिया वेयर रिवर मीट विद सी। रिवर का पानी जो होता है वो मीठा और सी का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, और जहां पर ये मिलते हैं एस्चोरियन वाटर उसको कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4 देखे, पोर नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, एरिया बिलो आइस केप है वेरी कोल्ड क्लाइमेट, टंड्रा। ये ऑप्शन डी जो है ना, इसमें ये वो एरिया होता है जिसका जो बिलो आइस केप होता है और बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट इसका होता है, इसको टंड्रा कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, द फूड चेंज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर। याद रखिए, द फूड चेंज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर विच आर सन एंड प्लांट्स। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर हमारा वाटर शुरू होगा। तब तक के लिए इजाजत। जिन दोस्तों को पसंद आया तो लाइक और शेयर लाजमी करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, मजीद मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।